हेलो, वेलकम टू आरके केमिस्ट्री। यह वीडियो जो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का पूरी तरीके से रिवीजन वाला वीडियो है, और ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 8 है। इसके पहले का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह वीडियो जो है आपका एमसीक्यू तो नहीं है, लेकिन एमसीक्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और पूरे एक ही वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट रिवीजन है। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओपन सिस्टम। देखिए, ओपन सिस्टम में एनर्जी एंड मैटर बोथ कैन एक्रॉस द बाउंड्री होता है ना। इसमें मैटर और एनर्जी दोनों बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है ह्यूमन बॉडी है। अगला जो सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में एनर्जी जो होता है बाउंड्री के बाहर चला जाता है, मैटर नहीं जाता है। ठीक है, अगला जो सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें एनर्जी और मैटर बोथ कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री, यानी दोनों बाउंड्री के बाहर नहीं जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल जो है थर्मस है। अब कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होते हैं, तो उसमें से पहला जो है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टम्परेचर होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है एनी स्टेज ऑफ द सिस्टम, इसलिए इसका dT इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है 0 होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका हीट रिमेन कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द सिस्टम, और इसमें हीट को Q से लिखा गया है, तो dQ इक्वल टू 0। आइसोकोरिक में जो है आपका वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द सिस्टम, तो इसमें dV 0 होता है। आइसोबारिक में प्रेशर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द सिस्टम, तो इसमें dP जो है उसका डिफरेंशिएशन प्रेशर का 0 होगा। साइक्लिक सिस्टम में एनर्जी एंड इन्थैल्पी। अब देखिए, किसी किसी बुक में एनर्जी को E से लिखा रहता है, किसी किसी बुक में U से लिखा रहता है, तो आप पूरे थर्मोडायनेमिक्स में अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर E लिखा है तब भी एनर्जी है, और U लिखा है तो भी आपका एनर्जी ही होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस और जो है आपका इसमें एनर्जी एंड इन्थैल्पी बोथ आर रिमेन कांस्टेंट, यानी dE इक्वल टू 0 एंड dH इक्वल टू 0। ठीक है, अब कुछ सिस्टम की प्रॉपर्टियां होती हैं। जैसे पहला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है आपका क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होता है, यानी इसको सम भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें से कोई भी एग्जाम्पल दे करके ऑप्शन बना सकता है। तो पहला इसमें एग्जाम्पल है मास, दूसरा आपका वॉल्यूम, एनर्जी, इन्थैल्पी, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो कैर आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, बट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द मैटर या नेचर ऑफ द मैटर। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता हो, नेचर या क्वालिटी पे डिपेंड करता हो, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसके भी एग्जाम्पल याद करने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें प्रेशर, टम्परेचर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट, केमिकल पोटेंशियल, ये सब आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टियां हैं। ठीक है, तो इनमें से इस एग्जांपल में से कोई भी ऑप्शन बना करके आपको पूछ सकता है कि बताइए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए आते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, और इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है
डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू है, और आपका डी डब्ल्यू बराबर जो होता है पी डी वी होता है। अब ये इसमें अलग अलग बुक खोलेंगे आप लोग तो अलग अलग तरीके का स्टेटमेंट लिखा रहता है, लेकिन आपका जो नीचे के पॉइंट जो हम यहाँ पर लिखे हैं ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसी अनुसार से इक्वेशन चेंज हो जाता है। जैसे इसमें लिखा है हीट गेन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम हीट लेता है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आर टेकन एज पॉजिटिव। तो अगर सिस्टम आपका हीट गेन करता है और वर्क सिस्टम के द्वारा होता है और इंटरनल एनर्जी जो है टेकन है, मतलब इन बढ़ रहा है, तो हमेशा इसका जो कन्वेंशन होगा SI कन्वेंशन पॉजिटिव साइन लिया जाएगा, ठीक है। इसी का अपोजिट है अगला, हीट लास्ट बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम से हीट लास्ट हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सिस्टम पे काम हो रहा है, और इंटरनल एनर्जी अगर आपका डिक्रीज कर रहा है तो जो साइन लिया जाता है वो निगेटिव लिया जाता है। तो इसी साइन के कन्वेंशन से ये इक्वेशन चेंज हो जाता है, लेकिन आप अपने माइंड में केवल यही वाला इक्वेशन ध्यान में रखिए और साइन को जो है ध्यान में रखिए कि कब किसका साइन क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट फंक्शन, देखिए स्टेट फंक्शन जो है किसी सिस्टम का फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करता है और वह इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन जो है एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और वॉल्यूम, ये सब क्या हैं आपके स्टेट फंक्शन है, ठीक है। पाथ फंक्शन जो है इनिशियल फाइनल पे ना डिपेंड हो करके बीच के पाथ पे डिपेंड करता है, यानी इसका जो एग्जांपल है वर्क एंड हीट, तो ये सब एग्जांपल आपको याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसी पे ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका इंथैल्पी है, तो इंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं एच इक्वल टू ई प्लस पी वी। अब देखिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को में जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट ले लेंगे तो ये डेल क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, एनी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, फर्स्ट लॉ से आया है। अगला जो है आपका इसमें डेल क्यू पी है, इसका मतलब हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर दिया गया है, और ये इंथैल्पी के कॉन्सेप्ट से आ जाएगा चेंज इन इंथैल्पी, ये सब आप याद रखिएगा। अगला है आपका सी वी, सी वी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और उसका डिफिनीशन होता है सी वी इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरीके से अगला है सी पी, सी पी जो है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, और ये इक्वल होता है डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब दोनों में रिलेशनशिप है, तो जनरल रिलेशनशिप जो होता है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है, लेकिन ऐसे ऑप्शन ना दे करके ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर सकता है। जैसे ये लिखा है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ब्रैकेट में पी है, और प्लस जो है आपका डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो आइडियल गैस के लिए जो है डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान जीरो होता है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा और पी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो नीचे वाला है आपका ये आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऑप्शन को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट जो है आपका कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन का जो फार्मूला है इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होता है वन अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला है कंप्रेसिबिलिटी कोफिशियंट, इसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये इक्वल होता है माइनस वन अपॉन वी
डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। अब इन सबको याद करने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि जो है क्यूबिकल एक्सपेंशन पॉजिटिव और कंप्रेसिबिलिटी कोफिशियंट निगेटिव, जहाँ यहाँ पर वी से डिवाइड किए हैं तो वहीं यहाँ पर वी जो है ऊपर है, यहाँ पर भी वी नीचे है तो यहाँ पर भी वी आपका ऊपर है। ठीक है, अगला इसमें है एडियाबेटिक के लिए कि टी वी जो होता है गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यहाँ पर गामा क्या है, सी पी अपॉन सी वी होता है, या इसको प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा पी वी पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये किसके लिए है, एडियाबेटिक के लिए है। ठीक है, अगला आपका है पॉइंट कि वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डब्लू होता है ये 2.303 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन होता है। तो केवल अगर आइसोथर्मल प्रोसेस कहेगा तो आप ये फार्मूला जनरल लगा सकते हैं। अब इस पे ऑप्शन बन सकता है आपका, अगर इसमें वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस ना कहकर आइसोथर्मल एक्सपेंशन कह दे ऑफ आइडियल गैस, तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, और आइसोथर्मल प्रोसेस पे बॉयल्स लॉ काम करता है, यानी पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू होता है, तो इससे इसको आप प्रेशर में भी चेंज कर सकते हैं, यानी वी टू बटे वी वन के स्थान पे पी वन बटे पी टू लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कह रहा है कि आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में एक्सपेंशन का ही यहाँ पर निगेटिव इसमें भी है, बस इसमें वी टू बटे वी वन है, इसमें वी वन बटे वी टू है। ठीक है, और प्रेशर को इस फार्मूले से चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये सब फार्मूले काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो है साइक्लिक रूल होता है एक, तो साइक्लिक रूल में अगर आपके एक्स वाई और जेड हैं तीन टर्म हैं, तो इसमें दो को तो डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखा है और एक को जो है कांस्टेंट रखा है, जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई। ठीक है, अब यहाँ जो डिफरेंशिएट में ये ऊपर चला गया है, बाकी जो ये कांस्टेंट है ये यहाँ पर आ गया है, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट था ये कांस्टेंट हो गया। इसी तरीके से इसको फिर ऊपर लेके गया है, फिर एक्स वाला यहाँ कांस्टेंट लगाया और इसका जो कांस्टेंट पार्ट है ये डिफरेंशिएट है, तो ये इक्वल टू किसके होता है, माइनस वन के होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका साइक्लिक रूल है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, इस पर क्या करेंगे, चूँकि इंथैल्पी जो होता है स्टेट फंक्शन होता है इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है, तो दो इक्वेशन लिख करके इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब एक दूसरे में से डिवाइड नहीं आप मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर यूज होता है। अगला इसमें है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए डी यू, अब चाहे किसी किताब में डी यू लिखा रहे चाहे डी ई लिखा रहे, दोनों क्या है एनर्जी हैं, तो डी यू जो है सी वी डी टी होता है, आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डी टी जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए आपका चेंज इन एनर्जी पूछे तो जीरो होगा। इसी तरीके से डी एच बराबर सी पी डी टी होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है, और W क्या हो जाएगा, माइनस Q के बराबर होगा, यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट डन बराबर हीट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। अगला जो है वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो इरिवर्सिबल अगर है, अभी तक जितनी बातें थी सब रिवर्सिबल के लिए था, अब अगर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो इसमें जो प्रेशर लगता है वो एक्सटर्नली लगता है, तो इसके लिए जो आपका W होगा माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है,
एडियाबेटिक में क्या होगा, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में? तो डी क्यू जो है आपका तो जीरो होगा, चूंकि एडियाबेटिक में क्यू जो होता है जीरो होता है। फर्स्ट ला थर्मोडाइनमिक्स लगाएंगे, क्यू यहाँ पर जीरो रखेंगे तो डेल्टा यू बराबर डब्लू आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन देख के कन्फ्यूज मत होइएगा, ये सब साइन का कन्वेंशन है ना, ये भी फर्स्ट ला थर्मोडाइनमिक्स है। अब डेल्टा एच इक्वल टू जो होता है डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी फॉर वन मोल ऑफ गैस, यानी यहाँ पर एन का मान मन रखा गया है, चूंकि यहाँ पर क्या होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी होता है, तो पी वी बराबर एन आर टी है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है जूल थॉमसन कोफिशियंट है, तो जूल थॉमसन कोफिशियंट को आप जो है म्यू जे टी से लिखते हैं, और जूल थॉमसन कोफिशियंट में चेंज इन एंथैल्पी जो होता है वह जीरो होता है, और जो गैस फ्लो किया जाता है वो एडियाबेटिकली एक्सपेंशन में किया जाता है, यानी हीट कांस्टेंट रख करके किया जाता है रियल गैस के लिए। तो ये सब बातें मेन मेन हैं आपके जूल थॉमसन कोफिशियंट के। अब इसमें जूल थॉमसन कोफिशियंट के लिए डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट हीट बराबर, मतलब एंथैल्पी बराबर जो होता है वो माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन सी वी है, ये एक फार्मूला है। और इसमें जो है डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी को ही जूल थॉमसन कोफिशियंट कहा जाता है। तो बहुत से को एग्ज़ाम में जूल थॉमसन कोफिशियंट को पूछता है क्या है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इस जूल थॉमसन कोफिशियंट से ये पता चला है कि अगर आप चेंज इन टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर रहा है तो आपका प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जूल थॉमसन कोफिशियंट फॉर आइडियल गैस जो होता है ये जीरो होता है, आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशियंट का मान जो है जीरो होता है। फिर अगला पॉइंट है इन्वर्जन टेम्परेचर टी आई बराबर जो है टू ए अपान आर बी है, तो डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है या इस पे इन दोनों का वैल्यू दे करके इन्वर्जन टेम्परेचर पूछ सकता है। तो ए और बी यहाँ पर क्या है वंडरवाल कांस्टेंट है, और आर क्या है गैस कांस्टेंट है। ठीक है, अगला फार्मूला जो है आपका क्यू पी इक्वल टू क्यू यू प्लस डेल्टा एन आर टी है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। नेक्स्ट किरचॉफ इक्वेशन जो है आपका डेल्टा यू टू माइनस डेल्टा यू वन बराबर जो है डेल्टा सी पी और टी टू माइनस टी वन होता है। तो किरचॉफ इक्वेशन दो होते हैं, एक चेंज इन एंथैल्पी के रूप में होता है, अगर चेंज इन एंथैल्पी होगा तो डेल्टा सी पी आएगा, और अगर चेंज इन एनर्जी होगा तो आपका सी वी आएगा। ये थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पर डेल्टा सी वी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि एंथैल्पी का रिलेशनशिप जो है सी पी के साथ में और एनर्जी का रिलेशनशिप जो है आपका सी वी के साथ में। ठीक है, हेस ला क्या कहता है, हेस ला कहता है कि अगर आपका कोई प्रोसेस जो है थर्मोडाइनमिक प्रोसेस अगर वन स्टेप में कैरीड होता है तो उसमें जो हीट होगा, और डिफरेंट स्टेप में जो आपके कैरीड होते हैं उनके हीट के सम के बराबर होता है, यानी ये डिफरेंट स्टेप में आपका एक क्यू वन स्टेप है इसमें कुछ हीट रहा होगा, क्यू टू है, क्यू थ्री है, तो तीनों का सम जो है टोटल क्यू के बराबर होगा, इसी को हेस ला कहा जाता है। ठीक है, अगला है बम कैलोरी मीटर यूज्ड इन थैल्पीज ऑफ कंबस्जन, कह रहा बम कैलोरी मीटर का यूज जो है इनथैल्पीज ऑफ कंबस्जन में किया जाता है, यानी कंबस्जन की इनथैल्पी निकालने के लिए बम कैलोरी मीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोई इंजन है उसकी इफिशियंसी अगर ईटा से रिप्रेजेंट करें तो ईटा बराबर होता है क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन क्यू टू बराबर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू, तो जिस से शुरू किए हैं उसी से डिवाइड किए हैं, यानी टू से शुरू किए हैं तो टू से डिवाइड किए हैं, ये कर्नाट साइकिल, इसको कर्नाट साइकिल भी कहते हैं। ठीक है,
अब इसी के आधार पे, इसी फार्मूले के बेस पे एंट्रोपी का डेफिनेशन लिखा जाता है कि चेंज इन एंट्रोपी बराबर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, तो एंट्रोपी का जो यूनिट होता है इस फार्मूले से निकालेंगे तो कैलोरी डिग्री इन्वर्स आएगा, और एसआई यूनिट जो है जूल पर कैलविन होगा। तो ये सब यूनिट आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में जो एंट्रोपी होता है आपका डेल्टा एस बराबर एन आर एल एन वी टू बटे वी वन है। तो अभी आपने पीछे पढ़ा था फार्मूला कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो वर्क होता है एन आर टी एल एन वी टू बटे वी वन होता है ना। तो इसमें जो है चूंकि आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो डी ई का मान जीरो होगा, तो जो हीट होगा और हीट में टी का डिवाइड कर देंगे तो एंट्रोपी बन जाएगा, और इसी से फार्मूला आ जाएगा। तो इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी में टेम्परेचर से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर आपका सिस्टम और सराउंडिंग्स का जो एंट्रोपी का योग जो है अगर जीरो के बराबर आ जाए तो उस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस का एक कंडीशन है या इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, जीरो से बड़ा हो दोनों का योग तो इरिवर्सिबल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसका कंडीशन है ये। ठीक है, अब एंट्रोपी जो है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम को मेजर करता है, ये एंट्रोपी का वर्क है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स टेंड्स टू वर्ड्स मैक्सिमम, और यूनिवर्स की एंट्रोपी मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। अब अगर थोड़ा सा हीट आप फ्यूजन में चेंज कर दिया जाए, यानी फ्यूजन का कोई क्वेश्चन हो तो क्यू को रिप्लेस करके डेल्टा एच एफ हो जाता है अपॉन यहाँ पर फ्यूजन टेम्परेचर हो जाता है। अगर कोई लिक्विड बॉयल कर रहा है तो उसके लिए एच एफ को हटा करके उसका हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा और बॉयलिंग पॉइंट हो जाएगा। यानी टी बी क्या है यहाँ पर, बॉयलिंग पॉइंट है, और डेल्टा एच क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन है। यहाँ डेल्टा एच एफ क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन है, और टी एफ क्या है, फ्यूजन टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे फार्मूले हैं जिसका जिसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है छोटा, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब अगर आपका किसी सिस्टम में टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों एक साथ चेंज होते हों और उसका एंट्रोपी का रिलेशन पूछा जाए, तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इनिशियल फाइनल स्टेट है, तो अगर टेम्परेचर वॉल्यूम में रिलेशन लिखना है तो डेल्टा एस बराबर होगा एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। अब एल एन को आप लॉग में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एल एन और जो एक्स होता है ये होता है 2.303 लॉग एक्स होता है। ये आपका ई का बेस होता है, ये 10 का बेस होता है। ठीक है, और अगर आपको उसमें टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा, यहाँ सी वी के स्थान पे सी पी हो जाएगा और यहाँ प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और पी टू बटे पी वन हो जाएगा। अब इसको याद में ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें सभी टू यू ऊपर हैं और सभी वन नीचे हैं, बट जो है आपका टेम्परेचर प्रेशर वाले में जो साइन होता है ये माइनस होता है। ठीक है, अब उसी फार्मूले के बेस पे जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी लिखेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका यहाँ पर बताए थे आपको कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर लिखना होगा तो इस फार्मूले में आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी टी वाले टर्म जो हैं जीरो हो जाएंगे। तो इसमें भी टी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल इसमें ये बचेगा लास्ट वाला और इसमें भी लास्ट वाला बचेगा। तो इसके आधार पे जो लिखा है फार्मूला अगला कि एंट्रोपी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस
तो यह हो जाएगा डेल्टा एस टी बराबर आर एल एन पी वन बटे पी टू। ठीक है, इसी तरीके से अगला कह रहा है आइसोबारिक प्रोसेस, तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस फार्मूले में प्रेशर वाला टर्म गायब हो जाएगा, केवल इतना बचेगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है आपका डेल्टा एस पी बराबर सी पी एल एन टी टू बटे टी वन। इसी तरीके से आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो इसमें वॉल्यूम वाला टर्म गायब हो जाएगा पहले वाले फार्मूले में, तो जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एंट्रॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि एंट्रॉपी जो है मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को निकालने में भी यूज होता है, यानी यस बराबर होता है के एल एन डब्ल्यू प्लस कांस्टेंट, और यस इक्वल टू कांस्टेंट जीरो हो जाए तो यस इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। इसको मैक्सवेल प्लांक इक्वेशन भी कहा जाता है। इसमें जो डब्ल्यू है ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, ये पता रहे या एंट्रॉपी पता रहे तो इस फार्मूले का यूज करके हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब कुछ टर्म जो है फ्री एनर्जी के हैं, पहला आपका है ए इक्वल टू होता है यू माइनस टी एस, फिर जी बराबर होता है एच माइनस टी एस। ये ए को क्या कहा जाता है, हेलमोन्ट्स फ्री एनर्जी कहा जाता है, यू माइनस टी एस होता है, और जी को जो है गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है, ये एच माइनस टी एस होता है। ठीक है, तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा ए निगेटिव बराबर डब्लू रिवर्सिबल होता है, यानी जितना ज़्यादा हेलमोन्ट्स फ्री एनर्जी का मान निगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा वर्क आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन सब का डेरिवेशन किया जाता है, आपको चूंकि मल्टीपल में टिक लगाना है इसलिए इसको सीधे याद कर लीजिए। ठीक है, अगला है आपका डेल्टा जी बराबर जो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आया है आपका स्टेट फंक्शन है जी, और इस फार्मूले पे इनिशियल फाइनल रख करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। नेटवर्क जो होता है थर्मोडायनेमिक्स का वह माइनस डेल्टा जी के बराबर होता है, यानी किसी सिस्टम का उतना ही ज़्यादा वर्क मिलेगा जितना ज़्यादा गिब्स फ्री एनर्जी जो है डिक्रीज करेगा। अब ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, डी जी बराबर होता है वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसी से अगला वाला भी क्वेश्चन बन जा रहा है कि प्रेशर अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो डी पी जीरो हो जाएगा, और इसको इसके नीचे डिवाइड करोगे तो माइनस एस आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करोगे और इस डी पी को डी जी के नीचे लेके जाओगे, टेम्परेचर कांस्टेंट दोगे तो ये वी के बराबर हो जाएगा। अब वॉल्यूम में जो रिलेशनशिप होता है तो ये होता है डेल्टा जी एन आर टी एल एन वी वन बटे वी टू, और प्रेशर में बायल्स लगा करके इसको पी टू बटे पी वन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैक्सवेल का कुछ रिलेशन है, और पहला रिलेशन है डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, अगर एनर्जी में रिलेशनशिप कहता है, और अगर इंथैल्पी में कहेगा तो टी डी एस बराबर हो जाएगा टी डी एस प्लस वी डी पी होगा, और हेलमोन्ट्स फ्री एनर्जी में माइनस डी एस डी टी हो जाएगा माइनस पी डी वी होगा। ठीक है, और डी जी इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी होगा। ये सब जो रिलेशनशिप हैं ये सब आपके क्या हैं, मैक्सवेल का रिलेशनशिप है। अब ये सब आया कहाँ से है, तो उसके लिए जो है आपको ये याद करना पड़ेगा ए स्क्वायर। अब इसमें यस एच पी जी टी ए वी ई, तो जहाँ तक हम याद किए हैं इसको, यस से श्री प्रकाश श्री, यच से हरि प्रकाश, यच और पी से हरि प्रकाश, यानी श्री हरि प्रकाश, गो जी से गो टू, अयोध्या, वी से विजी, और टी ई से विजिट,
यानी श्री हरि प्रकाश गो टू अयोध्या विजिट। तो ये सर्किल याद हो जाएगा इस तरीके से आपको। कोई मतलब कंफर्म रूल नहीं है, बस एक सॉल्व करने का ट्रिक है। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि जो एरो से के पास होगा उसका साइन निगेटिव, उसका साइन जो है निगेटिव होगा। अब जैसे इसमें लिखा है डी यू बराबर टी डी एस, या आप ये लास्ट वाला देखिए, जैसे लिखा है डी जी बराबर माइनस एस टी टी प्लस वी डी पी। तो आप इसमें सर्किल में देख लीजिए कि डी जी कहाँ पर है, तो डी जी के पास जो है पी और टी हैं, यानी जो भी फार्मूला बनेगा जो ये पी और वी हैं, यानी डी जी बराबर होता है वी डी पी माइनस एस डी टी होता है, ठीक है। तो इस पी और टी को आप क्या करेंगे, डी पी के रूप में लिख देंगे। अब पी से किसके साथ में, वी के साथ में है, तो वी यहाँ पर वी लिख देंगे, और टी के साथ में कौन है, यस है, तो यहाँ पर देखिए इसका साइन अभी इन दोनों में देखिए अपोजिट है कि नहीं, यू वी पे जो है आपका एरो आ रहा है और यस से एरो दूर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सबका है, चारों इक्वेशन ऐसे बने हैं, तो चारों को इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला मैक्सवेल रिलेशनशिप है। तो मैक्सवेल रिलेशनशिप जो होते हैं चार होते हैं, तो इसमें भी आप इसी सर्किल से ही होगा, मतलब इसी स्क्वायर से होगा। एरो अगर दूर जा रहा होगा तो निगेटिव साइन है। तो जैसे इसमें लिखा है डेल टी बटे डेल वी, तो डेल टी खोजिए, डेल टी कहाँ है, यहाँ पर है, अपॉन डेल वी, यानी इसका इन दोनों का रिलेशन कह रहा है। तो टी का रिलेशन पी के साथ में होगा, यस का वी का यस के साथ में होगा, ठीक है। तो जो ऊपर रहता है वही यहाँ पर कांस्टेंट लगाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो टी आपका ऊपर है यहाँ पर, और यही जो है यहाँ पर टी के सामने कौन है, यस है, तो यही यहाँ पर का कांस्टेंट बताएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ टी है ऊपर, तो यहाँ इसके साथ में कौन होगा, पी होगा, तो डेल पी, और इसके साथ में कौन है, यस है, तो डेल पी बटे डेल एस होगा। अब इसमें कांस्टेंट कौन बताएगा, ऊपर कौन है, पी है, तो ये यहाँ पर वी जो है इसका कांस्टेंट होगा। और साइन कैसे लगेंगे, एरो दूर होगा तो माइनस साइन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के आधार पे आपका ये चारों लिखा हुआ है, तो इसको याद कर लीजिएगा। यह क्या है, मैक्सवेल का रिलेशनशिप है। अगला है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जिसको इक्विलिब्रियम भी पूछ सकते हैं, या इरिवर्सिबिलिटी का मतलब स्पॉन्टेनियस या फेजिबिलिटी। तो यह सब क्राइटेरिया भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें आप जी वाला जरूर याद रखिएगा, जी वाला मतलब डेल जी टी और पी जीरो से छोटा होगा, यानी निगेटिव साइन होगा, तो आपका इरिवर्सिबल या स्पॉन्टेनियस या फेजिबल प्रोसेस होगा। अगर जीरो होगा तो आपका इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल होगा, ठीक है। तो जी वाला याद रखिएगा और यस वाला याद रखिएगा, ये दो जरूर याद रखिएगा। अगला है आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन पूरा ड्राइव किया जाता है, यहाँ फार्मूला इसका रखा है, तो इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा। अब थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट होते हैं, यानी ये दो प्रेशर के रूप में लिखा है, वॉल्यूम के रूप में लिखा है इक्वेशन, इसको थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। तो ऑप्शन बना करके इसको पूछ सकता है। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट है कि डेल जी टी और पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पी बराबर जो है माइनस एच अपॉन टी स्क्वायर होता है, ये फार्मूला भी आप ध्यान रखिएगा। डेल्टा जी नाट को स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कहेंगे, और इसका रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में होता है, माइनस आर टी एल एन के पी होता है,
वांट हाफ आइसोथर्म इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत बार पूछा है, इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट जो है आपका क्लैपेरियन कैल्सियस इक्वेशन है, तो क्लैपेरियन कैल्सियस इक्वेशन डीपी अपॉन डीटी इक्वल टू जो होता है क्यू टी वी बी माइनस वी ए। अब ये ध्यान रखिएगा कि ए से बी में प्रोसेस होगा, तो जो बी वाला होगा ये पहले लिखा जाएगा, ए वाला बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, यानी वॉल्यूम बी का पहले, प्रोडक्ट का पहले, रिएक्टेंट का बाद में। अब ये जो है आपका, इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म बोलते हैं इसका, ये होता है ln P2 अपन P1 बराबर डेल्टा एच वी अपन आर टी टू माइनस टी वन अपन टी वन टी टू। ये बिल्कुल काइनेटिक्स का जो आर्हीनियस का इक्वेशन था टेम्परेचर डिपेंडेंट उसी के जैसा है। ठीक है, अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये के एफ अपन के वी होता है। के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड साइड, और के वी क्या है, रेट कांस्टेंट बैकवर्ड साइड। अब अगर इस तरीके का इक्वेशन दिया है, कोई रिएक्शन है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा प्रोडक्ट का एक्टिव मास पावर एम होगा रिएक्ट एन, और अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास पावर उसके जो भी कोफिशियंट होंगे वो उसके पावर पे चले जाएंगे। अगला जो है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर के यानी के पी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के टर्म यानी के पी और के सी में जो रिलेशनशिप होता है वह होता है के पी बराबर के सी आर टी के पावर डेल्टा एन। ठीक है, फिर इसके बाद जो है कुछ है, जैसे मान लीजिए कह दे किसी क्वेश्चन में कि डेल्टा एस बराबर पॉजिटिव डेल्टा एस बराबर नेगेटिव, तो आप ये बताइए कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फिजिबल होगा या स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप इस फार्मूले पे अपना दिमाग लगाइएगा कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। तो यहाँ पर अगर हम एच के स्थान पे पॉजिटिव रखें, एस के स्थान पे भी पॉजिटिव रखें, तो हम पूरी कोशिश करेंगे अगर थर्मोडायनेमिक फेजबुल लाना है तो जी का मान निगेटिव होना चाहिए, ये इसका कंडीशन है। तो यहाँ पर कह तो रहा है कि निगेटिव होगा, लेकिन ये वाला टर्म बड़ा होना चाहिए तभी निगेटिव हो सकता है। तो ये टर्म बड़ा है यानी टेम्परेचर इसमें है, तो हाई टेम्परेचर पे ये फेजबुल होगा। इसी तरीके से अगला वाला को है, तो एच अगर निगेटिव है, जी यस निगेटिव है, तो जी का मान निगेटिव होगा, लेकिन इसमें इंथैल्पी का मान ज़्यादा होना चाहिए यानी ये लो टेम्परेचर पे फेजबुल होगा। अगला वाला है कि माइनस डेल्टा वी और प्लस डेल्टा, मतलब निगेटिव एच का साइन हो और यस का साइन पॉजिटिव हो, तो जी का मान निगेटिव आएगा। यानी हमेशा इस कंडीशन पे चाहे टेम्परेचर कुछ भी रहे, अगर एंथैल्पी और एंट्रोपी का मान निगेटिव पॉजिटिव होता है तो जी का मान हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, अगला वाला जो आप है आपका कि एच का मान पॉजिटिव यस का मान निगेटिव, तो जी का मान किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव ही आएगा, तो इस कंडीशन में रिएक्शन फेजबुल नहीं हो सकता। तो ये सब पॉजिटिव निगेटिव यस और यच का ध्यान में रखेंगे आप कि कब फेजबुल होता है कब नहीं होता है। ठीक है, अगला जो है ली चटेरियर प्रिंसिपल जो है अमोनिया का फॉर्मेशन हैबर प्रोसेस से, जो उसका बेटर कंडीशन है हाई मतलब लो टेम्परेचर, चूँकि रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है और प्रेशर हाई देना पड़ेगा, तब आपका बेटर जो है अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। टेम्परेचर चूँकि काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर कम देने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन में भी कि काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए इसमें आप ध्यान रखिएगा कि कैटलिस्ट भी डाला जाता है या फिर और कैटलिस्ट प्रमोटर जो है मॉलिब्डेनम डाला जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपका जो कंप्लीट रिवीजन थर्मोडायनेमिक्स का था ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर